महोबा जिले में शराफा व्यापारी का घर सूना पाकर चोरों ने धावा बोलकर लाखों रुपए के जेवरात और नकदी ले उड़े। सुबह जब व्यापारी घर लौटा तो देखकर बेसुध हो गया। फिलहाल कितने रुपए की चोरी हुई अभी तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया। मामला कुलपहाड़ कोतवाली क्षेत्र के गोविंद नगर मुहाल का है, जहां जय सोनी सराफा का काम करता है। बीते रोज वह अपनी पत्नी को इलाज के लिए झांसी लेकर गया था। घर को सोना पाकर चोरों ने ताला तोड़कर सोने के जेवरात और घर में रखी नकदी ले उड़े। आज सुबह जब जय अपने घर लौटा तो नजारा देखकर बेसुध हो गया। इसकी सूचना पुलिस को दी गई, लेकिन अभी तक व्यापारी द्वारा चोरी हुई सामान का आंकलन नहीं किया गया। फिलहाल सूचना मिलने पर पुलिस मामले की तफ्तीश में जुट गई है। अभी आए हैं, अभी जुमला जो देख के चले गए हैं, आश्वासन देकर चले गए हैं कि लगी हुई है टीमें और हम प्रयास कर रहे हैं। समय लिए हैं 24 घंटे के लिए जो है। हम तो यही पुलिस विभाग से, जिला प्रशासन से अनुरोध करेंगे कि हमको हमारा माल मिलना चाहिए सर। जो है हमको माल मिलना चाहिए और हम जो जो ग्राहक हैं उनको हम माल दे। कुछ नहीं हुआ है सर, जब 11 बजे तक कोई ऐसी चहल कर रही है। 12 बजे बाद घटना घटित की है। मात मादक बदमाशों ने जो है जल्दी खा पानी सकती है। अपनी पत्नी को लेकर झांसी दिखाने गया था 20 तारीख को सुबह 8 बजे। इसके बाद मेरी पत्नी का वहाँ इलाज हुआ डॉक्टर संगीता सिंह के यहाँ। उन्होंने उनका ये लेजर के द्वारा ऑपरेशन किया और इसके बाद वहाँ छुट्टी हुई और हम लोग मऊरानीपुर देर रात पहुँचे थे, इसलिए मऊरानीपुर रुक गए। और सुबह जब यहाँ पे मैं आके देखता हूँ 9:30-10 के बीच में तो पूरे ताले खुले हुए हैं और तोड़ ताले वाले सब पूरे तोड़कर और अंदर पूरा जेवरात पूरा नगद कैश सब कुछ ले गए। लगभग कितना सामान चला गया देख के बताएंगे तब सब हम अभी देखेंगे। अब थोड़ा दिमाग सही नहीं है इसलिए उसके लिए हमें कुछ बता नहीं सकते। किसी पर शक आपका? नहीं, हमें किसी पर शक नहीं है। ठीक हो जी भैया, क्या नाम है आपका? ये मेरा नाम आदित्य कुमार सोनी है। क्या घटना घटना? मेरा छोटा भाई राजू सोनी आज शुरू से रहता था जो है। इसके बाद हम लोग 4 भाई हैं, मैं हूँ, इसके बाद राजू सोनी और 2 छोटे भाई हैं जो है। सर उसके साथ बहुत बड़ी घटना हो गई है सर। तो उसके साथ बहुत बड़ी घटना हो गई है सर। वो तो बर्बाद हो, हम लोग सभी लोग बर्बाद हो जाएंगे सर। जो है अगर हमारे साथ अगर न्याय नहीं हुआ तो सर हम कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र हैं। आगे 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 की क्या रणनीति सर? वो अपनी पत्नी को सर उसकी तबीयत बीमार थी जो है, तो दिखाने के लिए गया था जो है, झांसी गया हुआ था। झांसी से लौट कर अपने जो है इलाज हुआ, इसके बाद मऊरानीपुर में रुक गया। मऊरानीपुर जब सुबह आया तो घर के सारे दरवाजे सारे ताले हुए टूटे हुए थे, लाकर टूटा हुआ था सर जो है। सर पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है सर। इसमें कोई ना कोई मोहल्ले का इसके जान पहचान के सर इसमें शामिल हैं सर। उससे मुझे और कुछ जानकारी नहीं। लगभग लगभग कितने का माल गया होगा, लगभग अंदाजा कुछ? सर लगभग तो सर जो सर अभी मैं आया हुआ हूँ सर, मैं अभी नहीं कह सकता। पर ये सर जो है जो छोटे छोटे दुकानदार वो शादी विवाह लगने चल रही हैं वो बनाने के लिए दे जाते हैं सर, उन्हीं का जमा हुआ रखा हुआ था जो सर जो है। सब पूरे सब ले गए हैं सर जो है। सर वो बताइए सर, हम लोग अब बताइए कहाँ क्या कार्य जो है। सोने चांदी का काम कब से कर रहे हैं आप? ये सर वो यहाँ पर उसकी बुआ रहती थी, तो इस बुआ के यहाँ वो रहता था, तो इसके बाद फिर वो यहीं पर रहने लगा, उसी की यहीं व्यवस्था की गई जो है। सर इधर होता तो पिताजी, तब पिताजी अब इस समय नहीं है जो है, उनका स्वर्गवास हो गया है जो। सर हम भाइयों ने अपने उसको यहाँ व्यवस्था कर दी सर। आज पूरी तरह बर्बाद कर दी है सर जो, पूरी तरह बर्बाद कर दिया, उसका सब लूट पाट ले गया सर जो। किसी पर शक हो आपका? सर शक के लिए सर हम जो है वही बताएगा सर जो है, शक के लिए वही बताएगा जो है। अभी हमारी उससे बात नहीं हुई है सर जो। अभी हम लोग हम अतारा में रहते हैं सर जो, बांदा जिला में। थाना कुलपहाड़ में बीती रात की घटना प्रकाश में आई है, जिसमें कस्बे में स्थित एक ज्वेलर के यहाँ से उसके घर से चोरी की बात आई है प्रकाश में, जिसके संबंध में सभी उच्चाधिकारी जो हैं, क्षेत्राधिकारी, अपर पुलिस अधीक्षक मौके पर पहुंच चुके हैं और जितना हमारा फील्ड यूनिट है और जो हमारा सर्विलांस यूनिट है उसे भी भेजा गया है। अभी तहरीर प्राप्त नहीं हुई है, तहरीर प्राप्त होने के बाद आवश्यक वैधानिक कार्रवाई करके हम शीघ्र ही घटना का अनावरण करेंगे। कितना अंदाजा लगा है कितना? अभी नहीं, वो कह रहे हैं कि अभी हम देख रहे हैं और बना रहे हैं, तो अभी नहीं ये जरूर बता रहे हैं, क्योंकि बहुत घर की बहुत ज्यादा ज्वेलरी थी जो उसमें गई है, कुछ कैश भी बता रहे हैं, परंतु उन्होंने अभी अमाउंट खोला नहीं है,
और जैसा ही उनकी तहरीर प्राप्त होगी उस हिसाब से आगे की कार्रवाई की जाएगी।